डियर स्टूडेंट, आज हमारे सामने क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज नंबर ए सम इज -7, बी डिफरेंस इज -10 एंड सम इज 0। यानी ऐसे इंटीजरों के पेयर लिखने हैं जिनको सम करके -7 और बी यानी डिफरेंसेज इसका निकाल करके -10 आ जाए, और ऐसे पेयर लेना है जिनको ऐड करने के बाद 0 आ जाए। तो हम लिखेंगे वन सच पेयर हुज सम इज -7, ऐसा पेयर जिसका सम -7 हो, तो ऐसा लेंगे हम। एक -4 ले सकते हैं और दूसरा उसमें कितना ऐड करके -7 आ जाए, -3, दोनों का समीशन आ जाएगा -7। दूसरा ले सकते हैं -5 और -2, दोनों को ऐड करेंगे तब भी -7 आएगा, बट हमें एक ही फिगर पूछा है तो हम इसी से इसी को लिखेंगे। अगला बी है कि डिफरेंसेज -10 होने चाहिए, तब हम लिख सकते हैं वन सच पेयर हुज डिफरेंसेस इज -10, इसका डिफरेंस -10 हो, ऐसे पेयर क्या हो सकते हैं, ऐसे पेयर आएगा। एक हम -2 ले लेते हैं और एक 8 लेते हैं, दोनों को डिफरेंस करने के बाद दोनों का डिफरेंस आ गया -10। या एक नेगेटिव इंटीजर आप -3 ले लीजिए, एक 7 लीजिए, दोनों का डिफरेंस करेंगे तभी -10 आ सकता है। ओके, सी है इसका दो इंटीजर इस प्रकार से लेने कि जिनका सम 0 आ जाए। वन सच अ पेयर हुज सम इज 0, जिसका सम क्या हो, 0 हो, ऐसे दो नंबर हम ले सकते हैं। जैसे -2 और दोनों को सम करेंगे +2, दोनों का समीशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -5 और 5 दोनों का समीशन तब भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस 8। यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजरों के ऐसे पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस 8 होता है। बी है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। दो इंटीजर लेने, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिनका समीशन कितना आता है -5। अगला राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। ये पार्ट है कि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर लेने दो जिनका समीशन करने के बाद, जिनका डिफरेंस करने के बाद 8 आ जाए। तो मान लीजिए हम वो ले लेते हैं एक -2 एंड -10, दोनों का डिफरेंस करने पर क्या कर दें, डिफरेंस करें तो कितना आता है -2 -10। आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो +10 सब्ट्रैक्ट करके आ गया 8। तो ये दो नेगेटिव इंटीजर के पेयर थे -2 और -10, जिनका समीशन 8 आता है। बी है इसका बी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उनका सम करने के बाद, सपोज दैट हमें -8 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब दोनों का सम करते हैं,
माइनस एट प्लस थ्री, एक माइनस एक प्लस, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये आ जाएगा माइनस फाइव। साइन उसका लगता है जो नंबर आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन होने में निगेटिव नंबर छोटी होती है। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए हम साइन इग्नोर कर दें तो एट बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन होने में तो पॉजिटिव इंटीजर थ्री बड़ा है, साइन इसका आएगा माइनस फाइव। अगला है लास्ट इसका सी वाला पार्ट, राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज माइनस थ्री। एक आपको निगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। सपोज दैट मैं एक माइनस टू ले लूँ और एक वन ले लेता हूँ, अब इसका बाद इनका डिफरेंस करें, डिफरेंस आ जाएगा इसका माइनस टू माइनस वन, इनका डिफरेंस आ जाएगा माइनस थ्री। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।